अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में हम 12 जमात का सबक नंबर 1 डिप्रिसिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा मैथ का फर्स्ट का डिप्रिसिएशन। ओके, तो प्यारे बच्चों, डिप्रिसिएशन होता क्या है, चलिए इसके थोड़े से लफ्जी मायने की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो डिफ्रेंशिएट यानी अलग अलग करना, यानी किसी भी चीज़ के अज़ा अलग अलग करना। तो किस तरह से, जैसा कि मानिए फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें हम लोग लेते हैं, इसको समझने के लिए मिसाल लेते हैं। यहाँ पर एक गन्ना है, जैसा कि एक गन्ना है, इसका हम लोगों को रस बनाना है। तो हम जब रस बनाते हैं, उसके बाद फिर रस के बाद हम लोग उसको गुड़ में तब्दील करते हैं, आखिर में फिर उसका अल्कोहल बनता है। इस तरह से, यानी शय एक थी लेकिन हमने उसके अज्जा अलग अलग किए। ओके, इस तरह से डिफ्रेंशिएट हमें करना है। अब आइए हम आते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन मींस क्या, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन यानी यहाँ पर देखिए, इसको अगर हमें समझना है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह से एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पर जो एक्स है यह हमारा फंक्शन है, यानी वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स होता है वो हमेशा चेंज होता है, चेंजेबल होता है। ओके, इसके बारे में हमने जाना। अब फंक्शन की इस सबक के अंदर हमको जो टाइप सीखनी है वो है हमारे पास पांच तरीके की। कितनी तरीके की है, पांच तरीके, जिसका नाम है ली एट। क्या है, ली एट। एल, सबसे पहले हम एल की बात करते हैं। एल मीन्स यानी लोगार्थम फंक्शन। ओके, यानी जिसमें लॉग हो, जैसे फॉर एग्जांपल लॉग 5x, इस तरह की एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे। अगला है हमारा आई। आई मीन्स इनवर्स वाला फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इनवर्स वाला फंक्शन, जैसा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 5। अगला आता है हमारा ए। ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन यानी 2x स्क्वायर प्लस 5 वगैरह, इस तरह की एग्जांपल है। चौथा है हमारा टी। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसा कि लीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह की जो फंक्शन है हमारे पास। और आखिरी जो है हमारा ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जैसा कि ई पावर ऑफ एक्स प्लस 5, ये भी होता है, और ए इस तरह से 3x प्लस 2, वहाँ पर ए भी इस्तेमाल होता है और ए भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये चेंज नहीं होता। ए जो है, ए हमारा चेंज हो सकता है क्योंकि इसकी जगह पर कोई नंबर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इस सबक के अंदर, डिफ्रेंशिएशन के अंदर, सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के अंदर लिएट में, यानी जो मैंने पांच फंक्शन आपको बताया, हमको एक्सरसाइज के इसके हर टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन होता है, याद रखिए एक्स एक फंक्शन है हमारा, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। क्या होती है, चेंज, और उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए हमको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो चलिए हम लोग इसके फॉर्मूले लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो है हमारे पास, देखिए ये एफ ऑफ एक्स, और ये है हमारा एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स यानी इसको हमने डिफरेंशिएट किया, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और जो भी हमारा फंक्शन रहेगा, जैसे कि मानिए वाई है, इस तरीके से। ओके, तो हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स लिया हुआ है, तो हम वाई ना लेते हैं, एफ ऑफ एक्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं के। के मीन्स कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट्स ऐसी वैल्यू होती है जो चेंजेबल नहीं होती, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ पर जब हम k का डिफरेंशिएट करेंगे, तो याद रखिए इसके साथ x का फंक्शन नहीं है, यानी यहाँ पर जो k की जो वैल्यू हमको मिलेंगी इसका डिफरेंशिएट करने पर, वो हमें हासिल होंगी ज़ीरो। क्या हासिल होंगी, ज़ीरो। सेकंड हमारे पास फार्मूला है, ये पहला फार्मूला था हमारा, सेकंड फार्मूला हमारे पास x पावर ऑफ n या x रेस टू ऑफ n। अब यहाँ पर इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इसे, हम सबसे पहले इस तरह से लिखते हैं डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू ऑफ एन। इसका फार्मूला एकदम इजी है,
इसकी पावर अभी n है तो n पहले उतारिए, x का फंक्शन एज इट इज रखिए और उसकी पावर में से एक कम कर दीजिए। ओके, x पावर ऑफ n का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n ऑफ x पावर ऑफ n माइनस वन। तीसरा है हमारे पास वन अपॉन x। ओके, इसका डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे d बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट जब हम लोगे वन अपॉन x का, इसकी पावर कितनी है, एक है। अभी हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएंगी माइनस वन। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारा पावर पहले नीचे उतरेंगी, ओके, और इसकी पावर में से हम लोग एक माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स माइनस पावर ऑफ टू। जब हम माइनस टू को नीचे भेजेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, यानी वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मिलता है। ओके, इसका चौथा फार्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स। जैसा कि हमने इसे सॉल्व किया ऐसा ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट जब हम लोग करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट अंडर रूट ऑफ एक्स का आएगा वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ एक्स। अभी हमने सबसे पहले हमने यहाँ पर चार फार्मूले लिए जिसके अंदर हम लोगों को ज़्यादातर फार्मूला नंबर दो जो है ये इस्तेमाल में आएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम टॉपिक लेते हैं वो हम अल्जेब्रिक फंक्शन का लेते हैं, बड़ा इजी है। इसके बाद फिर हम लोग बाकी जो बकिया है जो हमारे चार फंक्शन उस पर भी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 में अल्जेब्रिक फंक्शन पर जितनी भी एग्जांपल्स है वो तमाम एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट उसका किस तरीके से निकालते हैं, डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं, किस तरीके से हमको ऑर्डर क्या दी जाती है उसके मुताबिक हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे।